subject is GK and we will learn about water animals. What is water animals? Water animals का मतलब होता है जो animals पानी में रहते हैं. Water का मतलब होता है पानी और animals का मतलब होता है जानवर. मतलब जो जानवर पानी में रहते हैं उसे हम water animals कहते हैं. Okay? Water animals कौन कौन से होते हैं? Fish, dolphin, turtle, shark. Okay? ये सब होते हैं water animals. है ना. तो और कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे. तो फर्स्ट एनिमल है डॉल्फिन. यस, आपने देखी है डॉल्फिन. ये डॉल्फिन सी में रहती है. बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना उसमें रहती है इसलिए वो हमें देखने को नहीं मिलती है. ओके, नेक्स्ट इज ऑक्टोपस. ऑक्टोपस देखा है आपने. ऑक्टोपस को 8 लेग्स होते हैं. 8, हमारे तो सिर्फ 2 ही है पर ऑक्टोपस को होते हैं 8 लेग्स. ओके हाँ, और वो भी पानी में रहता है. आपने देखा है ऑक्टोपस. वो भी रेयर होता है. वो भी समुद्र में रहता है इसीलिए हमें आसपास देखने को नहीं मिलता है. उसके बाद है हमारी मछली रानी मतलब फिश. यस, मछली कौन है? जल की रानी है ना. मछली तो पानी के बिना मर जाती है. नेक्स्ट इज वॉलरस. वॉलरस भी पानी में रहता है. उसके बाद है क्रैब. क्रैब दिखा है आपने. उसके जो हाथ होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं. हाँ, ये हमारा रेड कलर का क्रैब है. उसके बाद आता है सी हॉर्स. उसका जो फेस होता है वो हॉर्स की तरह होता है और वो समुद्र में रहता है, सी में रहता है इसीलिए उसे हम सी हॉर्स बोलते हैं. तो ये सी हॉर्स है. उसके बाद है स्टारफिश. स्टारफिश का शेप स्टार के जैसे होता है और वो एक मछली है इसीलिए उसे हम स्टारफिश बोलते हैं. ओके, उसके बाद है टर्टल. टर्टल देखा है आपने. कोई किसी के घर पे होता है ना. हम लोग घर में भी पालते हैं और टर्टल की तो हमने स्टोरी भी सुनी है ना, रैबिट और टर्टल की. हाँ, तो टर्टल का जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है तो वो उसका प्रोटेक्टर होता है. उसकी वजह से उसे कोई मार नहीं सकता. चलो, उसके बाद है इल. सांप के जैसे होता है, दिखा है आपने. वो भी पानी में रहता है. उसके बाद है वेल. वेल मछली देखी आपने कितनी बड़ी होती है. वो भी समुद्र में रहती है और वो अगर पानी से बाहर आ जाए तो वो मर जाती है. वेल मछली बहुत बड़ी होती है और छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है. चलो, उसके बाद है सी लायन. वो पानी में रहता है, सी में रहता है इसीलिए हम उसे सी लायन बोलते हैं. उसके बाद है लॉबस्टर. कलर होता है रेड और उसके जो हाथ होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं. क्रैब और लॉबस्टर थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं. उसके बाद लास्ट वन इज शार्क. शार्क देखिए अपने बड़ी सी ब्लैक कलर की होती है. सबसे बड़ी फिश होती है शार्क. वो छोटी बड़ी सब मछलियों को खा लेती है. वो इंसानों को भी खा लेती है. तो शार्क बहुत डेंजर एनिमल है. ओके, तो ये सब हमारे वाटर एनिमल्स हैं. ये सब पानी में रहते हैं और अगर ये पानी से बाहर आ जाए तो ये मर जाते हैं. पर टर्टल जो है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है. ओके, तो ये सब आपको लर्न करने हैं और जब मैं आपसे पूछूंगी आपको मुझे बताना है. ओके, थैंक यू किड्स, बाय.